हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरिया उसमें आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का पराठा। ये एक बहुत ही अच्छी टिफिन फ्रेंडली रेसिपी है। आप कभी भी टूर पर जाएं, बच्चों को टिफिन में दे, ऑफिस में दे, जब आपका दिल करे आप इस पराठे को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, फटाफट बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे दाल का पराठा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा, आधा कप मूंग धुली दाल, मैंने इसे 2 घंटे पहले सोक कर दिया था और अब उसे छान कर मैं यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं इसमें कोरिएंडर लीफ बिल्कुल चॉप्ड, थोड़ा सा मैं अदरक ले रही हूँ चॉप्ड और आप ग्रेट करके जैसे भी लेना चाहे, आधा चम्मच। 1 हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप्ड, अगर आप टिफिन में दे रहे हो, छोटे बच्चे को दे रहे हो तो प्लीज इसे स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। 1/2 टीस्पून अजवाइन, ये डाइजेशन में बहुत इजी रहेगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच देसी घी, ये देखिए जी, अच्छे से आपने मसल लिया, सभी चीजों को मिक्स कर दिया। अब इसे थोड़े थोड़े गुनगुने पानी से हम इससे आटा लगाएंगे ताकि बहुत ही अच्छे से भीग जाए। विंटर में जब आप कुछ बनाए ना, किसी भी चीज का आटा बना रहे हो, तो अच्छा होगा आप उसे गुनगुने पानी से लगाए, तो इससे आपकी चपाती बहुत ही अच्छी मुलायम बनेगी और आटा बहुत जल्दी राइज हो जाता है तो रोटी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो आप इस टिप्स को जरूर से अपनाएं। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं बनाने, एक नॉर्मल चपाती की तरह ही बनाना। अगर आपका आटा अच्छा नहीं होगा तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा घी लेकर अगेन इसके ऊपर मसल के तैयार कर देती हूँ। जब आप ऐसे करके दबाते हैं ना, इससे आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। अब मैं इस आटे को 5 मिनट के लिए फोड़ देती हूँ। ये देखिए जी, 5 मिनट हो गए हैं। आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे ताकि आटा बहुत अच्छे से फिर से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, हमने बीच में लगाया थोड़ा सा देसी घी, मुझे देसी घी बहुत सही लगता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देसी घी की, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बॉडी को ल्यूब्रिकेंट बनाता है। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके बीच में सूखा आटा, आप इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे बॉक्स में कर रही हूँ। छोटे छोटे परांठे ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। हमने गैस ऑन कर दी है, तवे पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि वो चिपके नहीं। और ये देखिए जी, 1 मिनट के बाद आप इसे आराम से ऐसे टर्न कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही पलट पलट के भी सेक सकते हैं, बट थोड़ा सा घी लगाएंगे तो क्रिस्पी अच्छा बनेगा। आप इसके साथ में टमाटर की चटनी बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैंने मटर की पूरी विद टमाटर की चटनी ऑलरेडी यूट्यूब पर दे रखी है, हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप उसे भी जरूर से बनाइएगा प्लीज़। इसे बहुत हाई फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हार्ड मत कीजिएगा, क्योंकि मूंग दाल है ना, आप बहुत ज़्यादा हार्ड करेंगे तो वो करारी हो जाएगी, तो खाने में थोड़ा हार्ड लगेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनाइएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए जी, कितना यम्मी लग रहा है ना देख के। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं, आप अपने इंस्टा पर हमें टैग कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।